जो पाकिस्तान चंद्रयान 3 को लेकर उल्टा सीधा बोल रहा था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से चिढ़ा हुआ था। चंद्रयान 3 की सफलता उसे रास नहीं आ रही थी। अब वही पाकिस्तान खुद चीन की मदद से चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है। बता दे, अगले साल चीन अपना लूनर मिशन चांग-E6 भेज रहा है, इसमें पाकिस्तान पैलोड भी जा रहा है। चीन का कहना है कि इससे पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे। चांग-E6 मिशन में चीन चांद के फोर साइड यानी अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लेकर आएगा। अभी तक जितने भी चांद के सैंपल आए हैं वो नियर साइड यानी जो हिस्सा हमें दिखता है वहां से लाए गए हैं। फोर साइड में आमतौर पर ये हिस्सा ज्यादा प्राचीन माना जाता है, वहां पर ही एटकेन बेसिन है। ये चांद के 3 सबसे बड़े और प्रमुख जमीनी हिस्सों में से एक है। बता दें कि इस जगह की साइंटिफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चीन अगले साल यानी 2024 में अपना लूनर मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के साथ पाकिस्तान का एक पैलोड भी जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये मिशन अभी रिजर्व और डेवलपमेंट फेज में है। पाकिस्तान का क्यूबसेट एक बेहद ही मिनिएचर सैटेलाइट है, जो आमतौर पर 1x1 फीट का चौकोर डिब्बा होता है या फिर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। इस साल चीन के स्पेस स्टेशन में पाकिस्तान ने कुछ बीज भेजे थे ताकि वहां पर वो इस बीज के जरिए रिसर्च कर सके। पाकिस्तान इस फिराक में है कि वो चीन की मदद से उसके स्पेस स्टेशन पर जगह नहीं बना सकता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकेगा। चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने और उसे मजबूत बनाने के लिए इस मिशन में कई देशों के पैलोड्स जाएंगे। फ्रांस का ड्रोन पैलोड, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नेगेटिव आयन पैलोड, इटली का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर पैलोड, ये कुछ पैलोड्स हैं जो चीन के मिशन में शामिल होंगे। चांद और धरती के बीच संचार स्थापित करने के लिए चीन नई तैयारी कर रहा है। चीन 2 नए सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। इसकी लॉन्चिंग चीन अगले साल करेगा। बता दें कि इससे पहले चीन ने चांग-E मिशन 5 दिसंबर 2022 को चंद्रमा पर उतारा था।